गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम एक और नए प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि कंपनियां जब एसेट परचेस करती हैं या बिजनेस परचेस करती हैं तो कैसी कंडीशन में कैपिटल रिजर्व या गुडविल आती है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? ए लिमिटेड परचेस ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड परचेस कर रही है किससे? बी लिमिटेड से। क्या परचेस कर रही है? बिजनेस फॉर ए सम ऑफ रुपीज 150,000। कितने में परचेस कर रही है? 150,000 पेबल बाय इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ स्टैंड ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एंड बैलेंस इन कैश। यानी कंपनी क्या कर रही है कि ए लिमिटेड ने परचेस किया, किससे परचेस किया? बी लिमिटेड से परचेस किया। क्या परचेस किया है? बिजनेस परचेस कर रही है। कितने में? 150,000। और पेबल क्या कर रही है? इशू कर रही है शेयर। कितने शेयर दे रही है? 10,000 इक्विटी शेयर दे रही है। और कितने रुपीज पे? ₹2 प्रीमियम पे। एंड द बैलेंस इन कैश, और जो बैलेंसिंग अमाउंट हो रही है वो किससे पेमेंट कर रही है? कैश से। The assets and liability taken over where company जो assets और liability purchase कर रही है, कौन कौन से assets और liability purchase कर रही है? पहला क्या कर रहा है? Plant ₹40,000, building ₹40,000, debtor ₹30,000, stock ₹50,000, furniture ₹20,000, creditor ₹20,000. You are required to the pass and say general entity for the above transaction in the books of A Limited. अब देखते हैं कि कंपनी जब इशू कर रही है शेयर भी इशू कर रही है, लेकिन उसके लिए उसने बिजनेस परचेस किया। बिजनेस में परचेस क्या क्या किया? पहला कर रही है कंपनी जो परचेस करी, तो इसके लिए जनरल एंटिटी क्या होगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। यहाँ पे जो जनरल एंटिटी होगी वो क्या होगा? पहला एंटिटी हो जाएगा, जो एंटिटी आएगी वो क्या आएगा? फर्स्ट एंटिटी प्लांट अकाउंट डेबिट। प्लांट अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000। यानी पहले प्लांट परचेस की हुई है कितने का? 40,000। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग परचेस कर रही है वो भी कितने की है? 40,000। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000। अब बिल्डिंग है, फिर क्या है? डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर कितने की है यहां पे? डेटर है 30,000। अब देखिए डेटर परचेस किया, फिर क्या करी कंपनी? स्टॉक है, तो स्टॉक अकाउंट भी डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक की अमाउंट कितना बता रही है यहां पे? स्टॉक है कितने का? 50,000। फिर क्या कर रही है? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने का है? 20,000। यानी जितने भी एसेट्स था, जितने उसने परचेस किया, ऑल एसेट्स डेबिट। ओके, अब और क्या परचेस कर रही है? क्रेडिटर, यानी लायबिलिटी जो परचेस कर रही है, तो टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, ठीक है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स कितने का है? क्रेडिटर्स की अमाउंट बता रही है कितने की? 20,000। और किससे परचेस कर रही है? बी लिमिटेड से, तो टू बी लिमिटेड। ओके, अब देखिए कंपनी ने बी लिमिटेड से परचेस कितने का किया है? 150,000। अब यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कंपनी एक्सेस दे रही है या कम दे रही है। तो अब देखते हैं 40,000 प्लस 30,000, 110,000, 110,000 प्लस 50,000 तो कितना हो गया? 160,000 और प्लस 20,000 180,000। यानी कंपनी ने जो पूरा एसेट जो परचेस किया था इसकी कितने का है? 180,000। ओके, अब देखिए लेकिन कंपनी लायबिलिटी कितने का हो रही है? 20,000 एंड 150,000। यानी इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है? 170,000। अब कंपनी को पेमेंट करना चाहिए था 180,000, लेकिन पेमेंट कितना कर रही है? 170,000। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है कि कंपनी की कैपिटल की बेनिफिट कितने की हो रही है? 180,000 माइनस 170,000 किया तो कैपिटल बेनिफिट कितनी हो जा रही है कंपनी को? 10,000 का। ये कैपिटल बेनिफिट हो रही है, कैपिटल प्रॉफिट हो रही है, इसलिए इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर क्या आएगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितने से आएगा? 180,000 टोटल एसेट था, यहां पे कितने का हुआ? 170,000 का। जो डिफरेंस आ रही है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व कितने से आएगी? 10,000।
ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि कंपनी क्या परचेस करी, एसेट परचेस करी, तो एसेट में क्या क्या है, प्लांट बिल्डिंग डेटर स्टॉक एंड फर्नीचर, इसे कंपनी ने परचेस किया उसके एसेट्स को, और लायबिलिटी क्या है क्रेडिटर में, तो अब कंपनी को और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कितना कर रही है 150,000। ठीक, तो अब उन्होंने पूरा टोटल किया कि टोटल एसेट्स कितने क्या गई, यहाँ पे 180,000 और लायबिलिटी में 20,000 था, कंपनी दी कितना है, कितने का में परचेस करी 150,000, तो कितना हो गया 170,000। अब कंपनी को पेमेंट करना चाहिए था 180,000, लेकिन टोटल पेमेंट 170,000 हो रही है, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, कैपिटल प्रॉफिट कितनी होगी कंपनी के लिए 10,000, तो इसलिए सीधा ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में। और अब इसके लिए जनरेशन क्या हो गई, बीइंग, अब देखिए कंपनी क्या करे, बीइंग द बिजनेस परचेज फ्रॉम किससे कर रही है, फ्रॉम बी लिमिटेड, ओके बी लिमिटेड से। अब कंपनी कह रही है कि उसमें से कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है जो 2 रुपए प्रीमियम के साथ है, यानी 10,000 शेयर कर रही है और एक शेयर की प्राइस कितना बता रही है 10 रुपीज। ठीक, अब और रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट कर रही है किससे, बैंक, यानी कैश के थ्रू जब भी कंपनी पेमेंट करती है तो हमेशा क्या एंट्री होगी वहां पे, बैंक से होती है। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या आती है, कंपनी जो है यहां पे क्या आ रही है कि कंपनी को पेमेंट करना कितना करना चाहिए था, 170,000 का जो पेमेंट है कंपनी को करनी थी, कंपनी ने किया और कंपनी ने परचेस कितने में कर रही है, 150,000 में, वो तो 150,000 में जो परचेस कर रही है कंपनी करी उसमें शेयर दे रही थी, यानी शेयर दे रही थी रफली हम लेके चलते हैं, यानी कंपनी जो शेयर दे रही है एक शेयर की प्राइस कितने की बता रही है कंपनी, 10,000 शेयर है इनटू 10 किया तो कितना आ गया यहां पे 1 लाख। ठीक, अब 1 लाख रुपीज का तो ये शेयर हो गया, 10,000 शेयर दे रही है कंपनी, ऑलरेडी यहाँ पे शेयर फंड नहीं करना है, शेयर ऑलरेडी दिया हुआ है, और एक प्रीमियम कितने का हो जा रहा है यहाँ पे, तो प्रीमियम देखते हैं तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000, यानी टोटल कितना हो गया 1,20,000, लेकिन कंपनी को पेमेंट कितना करना था 1,50,000, तो 1,50,000 में से इस अमाउंट को 20,000 को माइनस किया, जो रिमेनिंग अमाउंट आ रही है कंपनी उसका क्या पेमेंट कर रही है, बैंक के थ्रू पेमेंट की, कितना कंपनी ने 30,000 रुपीज। तो अब इसके लिए जब कंपनी पेमेंट कर रही है किसको पेमेंट कर रही है, बी लिमिटेड को, तो इसके लिए जो जनरल एंट्री होगी वो क्या हो जाएगा, बी लिमिटेड डेबिट टू बैंक, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितने से आएगा 30,000। तो नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग कैश पेड टू बी लिमिटेड, बीइंग कैश पेड टू बी लिमिटेड। अब देखिए कंपनी अब इतना तो कैश में पेमेंट कर दिया, यानी 150,000 में से कंपनी ने 30,000 कैश में पेमेंट कर दिया, और रिमेनिंग के लिए क्या कर रही कंपनी, शेयर इशू कर रही होगी कितने पे, 2 रुपए प्रीमियम पे। तो अब इसके जो नेक्स्ट एंटिटी होगी किसको दे दिया शेयर, बी लिमिटेड को, तो नेक्स्ट एंटिटी क्या हो जाएगा, बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर किसमें दे रही है, प्रीमियम में, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ रही है तो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर कितना दे रही है, तो कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर दे रही है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कितने से, 10,000 शेयर है और एक शेयर की प्राइस कितने की है 10 रुपीज की, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने का आ गया यहां पे 10,000 इंटू 10, यानी कंपनी कितना दी यहां पे 1 लाख। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो 10,000 इंटू 2 20,000, तो यहां पे कितना आ गया 1,20,000। तो मैं ऐसा क्या हो गई,
कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया जो 10 रुपीज ईच का था और 28 रुपीज प्रीमियम पे। तो नेशन क्या हो गया, बीन 10,000 शेयर, बीन 10,000 शेयर इशू टू, किसको इशू कर रही है कंपनी, किसको दे रही है कंपनी, बी लिमिटेड को, इशू टू बी लिमिटेड, और कितने किसमें दे रही, एट ए प्रीमियम, और एट ए प्रीमियम ऑफ, कितने प्रीमियम पे है, रुपीज टू। इस तरह से था कंपनी की जो कम पेमेंट कर दी तो कैपिटल रिजर्व है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो किस कंडीशन में होती है, कि कंपनी जब एक्स्ट्रा अमाउंट पे करे तो वहां पे क्या आता है, कैसे आता है, गुडविल आता है। अगर आपको ये चीज अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट में आप सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।